हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव ग्रुप्स। फर्स्ट डायमैग्नेटिक, सेकंड पैरामैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक। तो देखिए, यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिपेल्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, अवॉइड करेगा, जिसके कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल से दूर भाग रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, आपको इस स्ट्रक्चर में आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिपेल हो रहा है। और अगर उसी चीज़ को अगर हम एक टेस्ट ट्यूब से हम समझना चाहें, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को ले लिया है, फिर इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होगा, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वीकली रिपेल्ड करता है तो सब्सटेंस को, तो देखिए यहाँ पे जो इतना तक भरा हुआ था मटेरियल, अब वो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ वो दूर भाग रहा है। देखिए यहाँ से ये इस ओर बढ़ गया, तो यहाँ पे इधर ज़्यादा मात्रा हो गई मटेरियल की और इस साइड से ये कम हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको आसान तरीके से। और इसमें क्या होता है, दिस सब्सटेंसेस हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक कहलाता है। देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और इसके एग्जाम्पल हो गए H2O, NaCl, C6H6, जिसको बेंजीन भी हम लोग कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की। तो दो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक में वो वीकली अट्रैक्टेड होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम इस सब्सटेंस को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म इस सब्सटेंस के अंदर जो डेवलप होगा वो बिल्कुल अलोंग द डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के, देखिए। तो जिसके कारण ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। अब इसी को टेस्ट ट्यूब पे अगर हम अप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि वीकली अट्रैक्टेड, तो ये अपनी ओर खींचेगा इस मटेरियल को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपनी ओर खींचेगा। तो देखिए यहाँ से ये कम हो गया इस साइड से और इधर ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मटेरियल के बीच में। तो दीज सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके पास क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण अट्रैक्शन शो होता है, और दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है उसको हटा दें, तो वो अपना मैग्नेटिज्म का जो करैक्टर है, यानी कि चुंबकत्व का जो गुण है, वो खो देता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सोर्स है इसको अगर हम हटा दें, तो ये जो है वापस से फिर ऐसा ही बन जाएगा, तो ये गुण खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर मैग्नेटिक करैक्टर डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसमें भी क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए O2, Cu2+, Fe3+ और Cr3+। अब जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर आइए बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक की। तो दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये बिल्कुल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो और यहाँ पे वीकली अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का अगर सोर्स को ही हटा दें, फिर भी क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोते हैं।
तो इसलिए उसे परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। जैसे इसमें अगर सोर्स को हटा दे रहे थे पैरामैग्नेटिक में तो वो अपना चुंबकत्व का गुण खो दे रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, वो जो सोर्स हटाने के बाद भी वो अपना चुंबकत्व का गुण बनाए रखते हैं, इसलिए इसे परमानेंट मैग्नेट भी बोला जाता है। ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर दिस सब्सटेंसेस चेंज टू पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। देखिए टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर को हाई कर दें इस सब्सटेंस के ऊपर तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, पैरामैग्नेटिक। और वो जो टेम्परेचर हुआ, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स ऑन हीटिंग। और क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रैंडमनेस चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोनिलियम एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड। ऑल द डोमेन आर अलाइंड विथ पैरेलल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर डोमेन होता क्या है। तो इसे मोटे तौर पे समझने का प्रयास इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे मेटल का सॉलिड लिया है, ठीक है, ये हमारा मेटल का सॉलिड है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो सॉलिड मटेरियल है मेटल का, वो जो मटेरियल है वो ढेर सारे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने होंगे, और उन एटम्स में क्या होते हैं कि आयंस होते हैं, और उनमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। वो एक ग्रुप बनाना शुरू करते हैं जिसकी स्पिनिंग सेम डायरेक्शन में होती है, वो एक ग्रुप में गैदर होना शुरू हो जाती है। तो जैसे इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए जैसे ये चार ग्रुप है, सपोज इन इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग ऊपर की ओर है वो एक ग्रुप में, और जिसकी स्पिनिंग डाउनवर्ड है वो एक ग्रुप, किसी की स्पिनिंग कुछ इस तरह से होगी इस डायरेक्शन में तो वो एक ग्रुप में, और किसी की स्पिनिंग कुछ ऐसी होगी तो वो एक ग्रुप में बना। तो एक ग्रुप में जमा हो रहे हैं जिनकी स्पिनिंग की जो डायरेक्शन है सेम है, वो एक ग्रुप बना ले रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब इस तरह का जो डोमेन है, अभी तो इस क्रिस्टल में क्या हो रहा है कि ये रैंडमनेस फैला हुआ है, मतलब कि एक ग्रुप में है लेकिन फिर भी वो उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब क्या होता है कि अगर जो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है तो वो कैसा होगा, तो जब इस क्रिस्टल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जब रखते हैं तब फिर क्या होता है कि ये जो, अगर वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है तो इनका जो मूवमेंट है, इन इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग होगा वो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो, अभी तो सबकी अलग अलग है लेकिन क्या होता है, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये सारे क्या हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे ये इस तरह से ये रोटेट होते हुए वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सभी आ जाएंगे। अगर जितने भी डोमेन हैं उनकी डायरेक्शन एक पैरेलल हो जाती है तो उस टाइप के मटेरियल क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे जो सारे डोमेन्स हैं वो पैरेलल अरेंज्ड है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब आइए बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है। तो दो सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू पॉजेस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म बट एक्चुअली हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एग्जाम्पल हो जाता है MnO, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो मटेरियल है वो या तो फेरोमैग्नेटिक होगा या तो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों, अब हम डोमेन से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इन दिस मटेरियल इन विच डोमेन आर अलाइंड विथ पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन इक्वल नंबर्स। अब वही जब मटेरियल क्या तो क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इनमें से क्या होगा कि कुछ का डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा और कुछ का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, तो वो भी इक्वल नंबर में जितने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड होंगे उतना ही अपोज्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक ऊपर की ओर है तो दूसरा नीचे की ओर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इस तरह से। तो ये जो डोमेन है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए जब जीरो हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट तो ये जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब उसी तरह बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो दो सब्सटेंसेस इन विच द डोमेन्स आर अलाइन विथ पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। तो इनमें क्या होते हैं कि कुछ जो डोमेन होते हैं वो पैरेलल अलाइन होते हैं और कुछ एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि देखिए वो भी अनइक्वल नंबर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ऊपर की ओर है, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एक डोमेन जो है वो बच जाता है, वो किसी दूसरे डोमेन से कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, यानी कि कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे जो जीरो के इक्वल तो नहीं होगी, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो दे बिहेव एज मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि वो जो मटेरियल है फेरी मैग्नेटिक उसमें क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अपना चुंबकत्व बनाए रखता है, जबकि एंड नॉन मैग्नेट्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को हटा दें तो वो नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो और इसके एग्जांपल हो गए Fe3O4। तो ये था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमने सॉलिड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।